बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदूषण के मुद्दे पर एक बार फिर से केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पंजाब की सरकार विजनलेस है, दिल्ली की सरकार विजनलेस है। उन्होंने केजरीवाल सरकार से अपील की कि पंजाब में पराली की घटना ऑन पर रोक लगाने में जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। दिल्ली के मौसम को सुधारने के बाद केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन योजना को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है। अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑड इवन योजना की घोषणा की, उसी दिन दिल्ली भाजपा ने एक असत्यापित योजना बताया था जो भाई दूज और छठ उत्सव के दौरान लोगों के जीवन को परेशान करेगी और इसी के कारण दिल्ली सरकार को आखिरकार इसे वापस लेना ही पड़ा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सरकार आज तक साबित नहीं कर पाई कि ऑड इवन योजना से दिल्ली के प्रदूषण में कमी आई है। हम जिस दिन ऑड इवन की घोषणा हुई थी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम कहा था कि ये बिना किसी ठोस योजना के, बिना किसी वैज्ञानिक आधार के, बिना किसी स्टडी के लगाया गया है। इस बात की पुष्टि कोर्ट ने भी की और हमने कहा था कि ये त्योहारों का वीक है। पूर्वांचल का इतना बड़ा त्योहार छठी मैया की हम सब आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उस सब पूर्वांचलियों के लिए और पूरे परिवारों के लिए, हम सबके लिए बड़ी समस्या का कारण बनता। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार को पंजाब सरकार से गंभीरता से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद प्रदूषण नियंत्रण पर पंजाब और दिल्ली सरकार की विफलता और अधिक स्थापित हो गई है। और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जैसा माननीय कोर्ट ने भी कहा है, पड़ोसी राज्य मतलब पंजाब, जहां सबसे ज्यादा देश में पराली की घटनाएं हो रही हैं, तो वो पंजाब की पराली रोके, तो उसके पंजाब की पराली जैसे रुकेगी पूरा NCR, दिल्ली सब स्वस्थ, सबको मौसम ठीक मिलेगा। इसलिए जो उन्होंने कहा है कि पंजाब की पराली रोकनी है, वो रोकनी चाहिए। उनसे कहता हूँ इशारों में बात ना करें। माननीय कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत गंभीर की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब पराली रोके तो सौरभ भारद्वाज हो, राघव चड्ढा हो, अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी हो, इन सबको मिलकर भगवंत मान को समझाना चाहिए और पंजाब की पराली रोकनी चाहिए, पूरा NCR स्वस्थ हो जाए। बीजेपी ने कहा कि पंजाब और दिल्ली सरकार की अदालत को समझाने में दोहरी विफलता के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण संकट पर बोलने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। बीजेपी ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान और आम आदमी पार्टी प्रदूषण नियंत्रण पर विजन लेस है। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।